कोलेटरल गारंटी है तो 3,20,000, उसमें लगभग 3% एक साल के अंदर होता है, 7% में 3% केंद्र सरकार से उन्हें ऋण में माफ़ी है, और 4% जो हमारा है वो हमारे मछुआ कल्याण कोष से है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी इस बार खाता खुल जाएगा तो अगली बार हम लोग उसमें जो 4% है हम उत्तर प्रदेश सरकार से दे देंगे, तो उनको हम लोगों ने मतलब एक तो 0% पर उन्हें ऋण देकर उनमें विकास के क्षेत्र में लाने का प्रयास चल रहा, जिससे कि जो कमजोर वर्ग हैं जो गांव नदियों के किनारे हैं वो भी अपने व्यवसाय में आकर ठीक ढंग से व्यवसाय कर सकें। और हम लोगों ने आज के दिन में उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास एक जो प्रदेश की मछली का नाम था चिताला, और चिताला जो मेन मछली थी उसकी रिवर रेंचिंग हम लोगों ने कराया है, और उसके लिए हमारे मैं अपने डायरेक्टर महोदय को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा इस वर्ष में कि उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान जो ब्यूरो है लखनऊ का उसे एमओयू भी किया है कि इसके जो मछली बीज का उत्पादन हो उसकी तकनीकी डेवलप की जाए, और वाराणसी में हम लोगों ने 1,00,000 जो है रिवर रेंचिंग किया था फिंगरलिंग्स का, ये जो चिताला मछली होती है जिसमें हमारे यहाँ मोए कहते हैं असली जो उत्तर प्रदेश की पहचान की मछली है वो विलुप्त हो रही थी, उसे फिर हम लोगों ने उसको बढ़ाकर काम किया है, उसके लिए हम माननीय केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उन्होंने इसके लिए सराहना की। जो इन्वेस्टर समिट रहा उसमें 62 निवेशकों के से 824 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं, और उसमें उनसे एमओयू पर साइन हो गया और उससे धरातल पर उतर भी रहा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए, और लोग आए थे, और मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ, कोई पैसा नहीं लिया जाता बल्कि उनके उनके वहाँ उनको फाइल प्रोजेक्ट में उनके नाश्ते का खाने का और उनको जो हमारी फाइल है जो भी शासनादेश है उनके तौर तरीके हैं जो बुकलेट है उनको देकर प्रशिक्षण देकर फ्री में प्रशिक्षण देकर जिले स्तर पर हम लोगों ने तय किया। अभी मछुआ कल्याण कोष में व्यवस्था हुई है कि इनके प्रशिक्षण के लिए हम लोग जिले स्तर पर राज्य स्तर पर दूसरे प्रदेशों में ले जाकर हम लोग उन्हें और ट्रेन करेंगे, जैसे हर क्षेत्रों में हम अभी तो प्रोडक्शन में है और भी क्षेत्रों में हम उस पर सफलता प्राप्त करें, उसके लिए हम लोगों ने मछुआ कल्याण कोष में एक व्यवस्था है कि एक तो एकल आवास का है, कम्युनिटीज हाल का है, उनके शिक्षा के लिए चिकित्सा के लिए है, उनके दैविक आपदा के लिए है, और उनके बेहतर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इस बार हम लोगों ने लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने उन्हें अलग से टॉपअप देकर हम लोगों ने केस डलवा कर महिलाओं को अलग से उसमें लाया जा रहा है, जिसमें सोनभद्र हो इधर का नाम है ललितपुर और सोनभद्र जो हम लोग ट्राइब एक तरीके से बहुत उपेक्षित जिला रहा है उसको हम लोग उसमें महिलाओं को आगे कर रहे हैं, और एकल आवास के लिए, चिकित्सा और शिक्षा के लिए उसमें है, और दुर्घटना के लिए उसमें भी है, और दैविक आपदा कोई हो गई, पहले कहीं दैविक आपदा होती थी बाढ़ आ गई, बह गया, आग लग गई, या कुछ और भी हो गया मछली किसी कारण बस अचानक कोई ऑक्सीजन कम हुआ, प्रेशर वीक हुआ, मछलियाँ ढेर सारी एक ही बार मर जाती थी, पर इसमें समस्या कि कभी कभी जैसे टेम्परेचर अधिक बढ़ता है और तैसे जो अमोनिया रिलीज नहीं हो पाता तो मछलियों का ज़्यादा, तो ऐसे दैविक आपदा के क्षेत्र में उसको हर तरह हमारी सरकार खड़ी है। ऐसे में हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं। अभी सहकारिता विभाग विकास के लिए इनमें हमारे पास 11 प्राथमिक समिति मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं और 23 जनपद समिति जो हमारी जनपद स्तरीय समिति है, और हमारे पास फेडरेशन है वो रेगुलेट करता लगभग 1100 समितियों को, जिसे नदियों में बड़े बड़े जलाशय समितियों को मिल सके, और पिछली सरकारों में कमी थी कि समितियों के लिए या कोई भी था कि 10 साल का एक ही बार पैसा जमा कराते थे, अभी उसमें था कि नहीं बोली का एक बार साल की बोली होती है और साल की फसल होती है मछली की, 10 साल का पट्टा भले हो लेकिन हर साल उससे जमा करने का निर्देश हो गया, अब उससे बहुत बड़ा रिलीव हो गया। दूसरा हम लोगों ने मुख्यमंत्री संपदा योजना में जितने भी लोगों ने पट्टे धारक थे, पहले पट्टे धारक में पट्टे ले लेते थे पैसा राजस्व को देते थे लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलता था कमजोर लोगों को, तो अभी 2.5 एकड़ मतलब 5 एकड़ तक के मतलब 2 हेक्टेयर पर 3,20,000 हम लोगों ने दिए और लगभग 15 करोड़ रुपया हम लोगों ने
पहली बार है कि पट्टे धारकों को मुख्यमंत्री संपदा योजना के रूप में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस महत्वपूर्ण योजना का बहुत लाभ उठाया और आगे भी हर साल चलता रहेगा। निषाद राज बोट योजना अब पैनल हो गए हैं और निषादों को लगभग 40% सब्सिडी पर नाय और सुरक्षा के लिए जैकेट और उनको और भी जो भी उसे यंत्र होते हैं उसको हम लोग देंगे और जगह जगह हम लोगों को उसको नाय देने के लिए हमारे पास बजट लगभग तैयार हो चुका है, जिसमें प्रदेश में जो 1000 नई प्राथमिक समितियां गठन करने का निर्णय लिया है, जो कि नई जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियों में भारत सरकार के जो मॉडल एक नया आया है उसके अनुसार हम लोग उसको प्रक्रिया में ला रहे हैं और इसमें बहुराज्यीय जो सहकारी समितियों से आच्छादित करने की कार्रवाई है। मतलब 1000 नई समितियां हम बना रहे हैं और ग्राम सभा स्तर तक का, न्याय पंचायत स्तर तक का, छोटे स्तरों पर पता चला बड़े लोग तो समितियां बनाकर कई किलोमीटर का नदी ले लेते थे, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हो, तो अभी माननीय गृह मंत्री जी ने निर्देश जारी किए, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा कि समूह में समितियों के विकास के लिए उन्होंने निर्देश जारी किया और लगातार अधिकारी लगे हुए हैं। 1000 नई समितियां बन रही हैं और छोटे स्तर पर कम लोग नई समिति बनाकर उससे लाभ ले सकते हैं, उसमें प्रक्रियाधीन है। एक हमारी जो इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ जो जीरा फ्राई बहुत छोटे बच्चे हैं और 53 लाख फिंगरलेंस का वितरण इस बार हमारी अभी तक हुआ है। हमारे पास निगम है, निगम हैचरीज भी देखता है और कुछ जलाशय भी देखता है, तो ये हमारे जलाशयों को जितने भी जलाशय हैं बड़े उसमें इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट किया है पहले की अपेक्षा है। एक हमारे पास 189% की वृद्धि हुई है इस बार आय में, हम लगभग 200% कह सकते हैं, एक बड़ा अच्छा रहा है। दूसरा गोमती हैचरी में कुछ माफिया उसे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हमारे विभाग के प्रयास से डायरेक्टर को, प्रमुख सचिव को, इन लोगों ने बड़ी एक्टिविटी दिखाई कि उसे हम लोगों ने माफियाओं से बचाया और उसे बाउंड्री कराकर उस हैचरी को मॉडल हैचरी बना रहे हैं हम लोग। यहाँ गोमती हैचरी हमारे पास है, जमुना हैचरी जो बंद है उसे भी तैयार मतलब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ खारा पानी की वजह से बंद था उसे खारा पानी के हिसाब से हम लोग तैयारी करें। 9 हैचरियों पर स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की स्थापना के नौ हमारे पास बड़े बड़े हैचरियाँ हैं जिसके माध्यम से हम लोग बच्चे का बीज पैदा करते हैं, उसमें काम कर रहे हैं। 10 वर्षों के उपरांत राजघाट जलाशय मध्य प्रदेश में है, वो केंद्र सरकार उत्तर और हमारी राज्य सरकार मतलब दोनों राज्य सरकारों के बीच में एक बार वो लेते हैं एक बार हम लेते हैं, लेकिन पिछले बार वो मिस था, इस बार हम लोगों ने हमारे हाथ में था 2 करोड़ 71 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से उसको नीलाम किया गया है और हमारी इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मांसाहार का मानकीकरण जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से अभी MOU साइन हुआ है, जिससे हम लोग उससे क्वालिटी कंट्रोल होगा कि भाई आदमी के लिए दवाई खाना हो, आदमी के लिए कोई पैकिंग फूड लेना हो, तो उसके लिए मानक है कि हम स्वस्थ रहें, हमारे पास कोई दुष्प्रभाव न हो। तो मछली भी आदमी खाता है तो मछली को जो भोजन खिलाया जाए वो भी एक मानक स्टैंडर्ड से हो कि कहीं उसके अंदर भी कोई ऐसा ना हो कि ऐसी कुछ तत्व हो जो उसे मानोगे, तो एक तो मत्स्य आहार का स्टैंडर्ड होने के लिए MOU साइन हुआ है और मत्स्य पालकों के तालाब से पानी और मिट्टी की गुणवत्ता हो, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से MOU साइन हुआ, जल्दी उस पर आगे कदम है, ये बहुत बड़ा कदम है इस प्रदेश के लिए है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना के लिए गोरखपुर में हम लोगों ने जमीन का एक आवंटन हो चुका है और उसमें बहुत जल्द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनेगा, उसमें सभी जितना हमारे मछली के क्षेत्र में चाहे हैचरीज हो, चाहे रेयरिंग यूनिट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे फीड मिल हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल फिश हो, सब कुछ उस पार्क में एक ही साथ उपलब्ध रहेगा, जिससे किसान एक ही जगह आए उसे ट्रेनिंग लेके और देख कर जाए उसमें मौजूद रहेगा। डिजिटल मास्की के लिए हमारे विभाग में ऑनलाइन आवेदन होते हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए DBT से के माध्यम से लेन देन है।
योजनाओं की निगरानी के लिए हमारे पास हमेशा मॉनिटरिंग होती रहती है, और MIS सिस्टम के लिए विकसित पोर्टल हमारे पास है कि fisheries.up.gov.in विभागीय वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए up.gov.in URL पर शिफ्ट किया गया अभी समय को। PMSY की परियोजनाओं की निगरानी है तो GPS और एनेबल जियोटैग ऐप विकसित किया गया है। डिजिटल लॉटरी के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ में था तो पता चला कि पहले जो तेज तर्रार थे वो फार्म भर देते थे, पता चला उन्हें मिल जाता था, तो पता चला अभी वही होता था कि भाई परियोजना कम है, आने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए डिजिटल लॉटरी सिस्टम हो गया है। अब फार्म ले लिए जाते हैं, फिर चेक हो जाते हैं, चेक होने के बाद लॉटरी निकाल दिए जाते हैं जिसका है वो। अभी हम लोग उसमें ढेर सारे लोग उसे हर क्षेत्रों में हर वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें नहीं मिला। उसमें डिजिटल लॉटरी के माध्यम से हमारे यहाँ आवेदनों का स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। फिश फार्मर मोबाइल ऐप है, उसमें हमारे फिश फार्मर ऐप में कई जानकारियाँ हैं, एक तो मछुआ दुर्घटना बीमा का भी है और सारे लिंक है उस पर जाकर फिश फार्मर ऐप पर जाकर लोग जुड़कर सभी जानकारी सकते हैं। MIS ऐप विथ गूगल मैप इंटीग्रेशन है जिसके माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। फिश फार्मर ट्रेनिंग मोबाइल ऐप हो रहा जिसके माध्यम से और उस ऐप में ट्रेनिंग लेने के लिए आप इनरोल्ड हों। मत्स्य निदेशालय निगम एवं संघ में ई ऑफिस प्रणाली का सफल संचालन तथा जनपद मंडलों में प्रक्रियाधीन है। अभी यहाँ जो विभाग है वो आपस में ही प्रणाली से आ गया है और जनपदों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें आ जाए और हाईटेक हमारा विभाग भी हो जाए, हम विभागों की तरह काम करना। तो अधिष्ठान एवं कार्यालय प्रबंधन में विभागीय कार्मिकों की मत्स्य की प्रबंधन में सीफी कोलकाता में एक वर्ष का हमारे विभाग के लोग जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक वर्ष ही अलग से उनको नई टेक्नोलॉजी हाईटेक जो है जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो जानकारी है वो आएंगे यहाँ, फिर उसके माध्यम से कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था हो रही। राज्य स्तरीय एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र का जीर्णोद्धार विभाग में कैडर रिव्यू की प्रक्रिया है कि तमाम ऐसे नए मंडल बने थे, चित्रकूट मंडल हो चाहे गोंडा मंडल हो, ये सब कई मंडल ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, अब हमें आगे रिव्यू करके अधिकारियों की संख्या आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि किया जा रहा। और मत्स्य मित्रों के आउटसोर्सिंग रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि हम लोग मत्स्य मित्र के माध्यम से जो विभाग की योजना और जो मत्स्य पालक हैं उनके बीच में ट्रेनिंग देकर उनको मत्स्य मित्र उनका उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे के लिए हम लोग एक आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ट्रेंड लोगों को उसमें रखा जाएगा। स्टेट प्रोग्राम यूनिट का गठन है और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यूनिट का गठन है, ये सारे क्रियान्वित हैं। और राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ भी से भी MOU साइन हुआ है और उसमें जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ से जो राज मीन चिताला और पापदा के मत्स्य बीज एवं उत्पादन की तकनीक उपलब्ध कराने हेतु एवं पर हस्ताक्षर हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश जो कृषि विज्ञान परिषद है उससे भी एक बैठक हुई है और उससे भी हम लोग अभी जो नई मछलियाँ जैसे हमारे यहाँ जो अच्छे दाम पर मछली आती हैं, सौर है, चंदा है, मागुर है, तो उसके बीज के उत्पादन के लिए क्योंकि अभी बाहर से बीज आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, यहाँ टेम्परेचर का हुआ है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए कि कोई भी चीज़ हम बाहर से न लाएँ बल्कि हम यहाँ पैदा करके हम दूसरे प्रदेश को दें, इस पर हम लोगों ने अभी बैठक हुई है और आगे भी बैठक होगा। आज के इस प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण यही बिंदु था कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश मत्स्य उत्पादन में घोषित किया गया है इनलैंड के क्षेत्र में। मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिनके प्रयास से केंद्र में जो है मत्स्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय से अलग हुआ और पहली बार 6 साल के अंदर उन्होंने मत्स्य पालकों को मदद करके 39,000 करोड़ रुपया दिया। उत्तर प्रदेश को भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और प्रदेश सरकार के उन्होंने यहाँ भी केंद्र यहाँ भी मत्स्य विभाग अलग किया, मत्स्य विभाग था अभी मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ और पहली बार जिस समुदाय से मैं आता हूँ जिनका मैं सड़क पर संघर्ष कर रहा था
उन्हें कानून बनाकर या नीति बनाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके, उसके लिए हमें अवसर प्रदान हुआ। और पहली बार में आया और एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक्सीलेंट अवार्ड है। और 21 तारीख को विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर हम लोग अहमदाबाद में, हमारे अधिकारी भी चल रहे हैं और इनके इनको वहाँ जो ट्रॉफी है और सर्टिफिकेट है मिलेगा, और इसका श्रेय हम मत्स्य पालकों को, मत्स्य उत्पादक जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं और इनको प्रमोट करने वाले जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इन्हें बधाई देता हूं। और आज के दिन में हमारी सरकार ने मदद करके इस क्षेत्र में जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो सफलता प्राप्त की है, जो हम लोगों ने एक पहचान बनाई है पूरे देश में प्रथम स्थान का, इसे सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम लोग, आपने देखा होगा, जिस काम के लिए आए थे, मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, तो हर क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश 6 साल पहले कैसा था और 6 साल बाद क्या हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इससे पहले भी तमाम, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन ढेर सारे बड़े काम, चाहे धारा 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, चाहे और भी यहाँ की जो माफिया और जो यहाँ के इन्वेस्टर या इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जो हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे वो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े थे, आज हम लोग आगे हैं, सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हुआ हम लोगों के लिए। और पहले मैं कह चुका हूँ कि हम लोग भगवान राम त्रेता में निषाद राज को गले लगाया था, तो जीत के लिए लगाया था, सीट के लिए नहीं। तो हम लोग जीत के लिए आए और जीत लगातार 2018, 2019, 2022, 2023 में भी, देव नदियों के किनारे बड़े शहर हैं, नगर निगम में देखे होंगे कि आपने सब में सफलता हम लोग प्राप्त की। और 2024 में तय हुआ है 39 पार्टियों की बैठक में, हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं पूरे देश में, चाहे निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उसमें अवसर प्रदान हुआ। एक प्रस्ताव पारित हुआ दिल्ली में सभी 39 पार्टियों में कि सभी लोग, सभी सीटों पर सभी पार्टी एक रूप से लड़ेगी, अलग अलग कोई पहचान नहीं, NDA लड़ेगी, न निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपना 39 पार्टी अलग अलग नहीं लड़ेगी, बल्कि एक होकर लड़ेगी और नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और उन्होंने वादा किया है अपने अभिभाषण में कि हम अर्थव्यवस्था को 10वें से अगर 5वें में लाए हैं, तो इस बार हम उसे 3रे नंबर पर ला देंगे। और जो जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसे सुदृढ़ करेंगे। और दुनिया में जो एक पहचान थी भारत की, विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो फिर से भारत उसी पावदान पर जाए, इसके लिए होगा। और जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं जो गरीबों के लिए बनाई गई हैं, उसे धरातल पर उतारा जा। और अंतिम उन्होंने एक बात कहा कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो संगठन हैं, पिछली सरकारों की उपेक्षा और उदासीन और षड्यंत्रकारी रवैये के नाते वो या तो सामाजिक संगठन बनाए, बाद में राजनीतिक दल बनाए, तो उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो उन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सरकार बनने के बाद किया जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा कि जिन मुद्दों के लिए सरकार, हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, उस मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ही एक्सेप्ट कर रखा, तो हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला प्राथमिकता है। एक बार और मिला था, और हमको लगता है 4 साल पहले मिला था, और उसमें हम किस 3रे नंबर पर था, तो पहले था। और अभी इस बार, अभी हम लोगों ने पहले, तो इससे पहले मिला था, और इस बार अभी हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। ये अहमदाबाद में, उसमें कई देशों के उसमें राजदूत रहेंगे, और सभी प्रदेशों के उसे हमारे मत्स्य मंत्री के साथ साथ विभागीय अधिकारी भी रहेंगे। 2 दिन का कार्यक्रम है। और बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज, अंतर्देशीय सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं, वो कोस्टल लैंड में, वो दूसरी कैटेगरी है, ये इनलैंड है,
वो जो है समुद्री तल क्षेत्र का है, ये जो है मैदानी क्षेत्र का। तो पूरे देश में जो मैदानी क्षेत्र के प्रदेश हैं उसमें हमारा प्रथम स्थान है। पिछले बार 8 करोड़ थी, इस बार लगभग 15-15.5 के आसपास आए। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रक्रिया चल रही है और आयोग से भर्तियां होती हैं, तो जो अधिकारी हैं जो उसे जो योग्यता के अनुसार आयोग से जो आ रहे हैं, बाकी जो नीचे के पदाधिकारी जो हमारे कर्मचारी उसके लिए मत्स्य मित्र का हमारे वो प्रक्रिया है, बहुत जल्दी हो जाएगा।